हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीनमाल नर्मदा नीर संघर्ष समिति द्वारा नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाकर पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर भीनमाल उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष गत 16 अगस्त से संचालित बेमियादी धरना प्रदर्शन और पीएम व सीएम के नाम संचालित हस्ताक्षर अभियान के तहत बुधवार को सरपंच संघ भीनमाल ने धरना प्रदर्शन भाग लिया। इसके सरपंच संघ के अध्यक्ष निम्बावास सरपंच नारायण सिंह राणावत व जुंजानी सरपंच वरदाराम चौधरी के नेतृत्व में पीएम व सीएम के नाम तहसीलदार राम सिंह राव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में भयंकर पेयजल संकट से छुटकारा पाने के लिए नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की, अन्यथा आंदोलन को सड़क से विधानसभा व सांसद तक पहुंचाने की चेतावनी दी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। इस अवसर पर भरूड़ी सरपंच नांजी राम देवासी, कोटकास्ता सरपंच दाड़मी देवी, फगोत्रा सरपंच पालू देवी, थोबाऊ सरपंच संतोष कुमारी, भागल भीम सरपंच ईश्वर सिंह, नौरा दिनेश कुमार, कावतरा सरपंच गजेंद्र सिंह, रोपची सरपंच रमेश कुमार, सरपंच छेल कुंवर व लक्ष्मी देवी, समिति के सदस्य शेखर प्रयास, जबरा राम भाटी, जोरावर सिंह राव, भरत सिंह भोजानी, देवरचंद राज पुरोहित, पारस घाची, ओट सिंह राव व सावला राम परमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ज्ञात रहे कि भीनमाल नगर सहित विधानसभा क्षेत्र के समस्त गांव व ठानियों में नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2008 में विधायक पूराराम चौधरी के प्रयासों से तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार द्वारा करीब 371 करोड़ की लागत से नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट तैयार की गई थी। वर्ष 2013 में भीनमाल के पूर्व विधायक डॉक्टर समीर जीत सिंह के प्रयासों से तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा योजना को मंजूर कर कार्य चालू करने के लिए बजट आवंटन किया गया था, जिसमें उक्त कार्य वर्ष 2016 में पूर्ण करने का लक्ष्य था, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के बाद निर्वोचित राज्य सरकार प्रशासन व क्षेत्र जन प्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते उक्त कार्य को लेकर आवश्यकता अनुसार बजट आवंटन नहीं करने की वजह से उक्त कार्य कछुआ चाल चल रहा है। यदि बजट आवंटन व कार्य की प्रगति इसी प्रकार रही तो उक्त कार्य वर्ष 2025 तक पूर्ण होना मुश्किल नजर आ रहा है। वर्तमान में भीनमाल शहर में करीब 7 दिन व गांवों में पेयजल आपूर्ति का इंतजाम नहीं के बराबर होने की वजह से पेयजल का भारी संकट बना हुआ है, जिसको लेकर आम जन में सरकार प्रशासन व क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के विरोध भारी आक्रोश व्याप्त है। पेयजल संकट को लेकर नगर वासियों द्वारा गत 17 दिनों से संचालित गैर राजनीतिक धरना प्रदर्शन व आंदोलन को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर समिति में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। आंदोलन को बड़ा रूप प्रदान करने के लिए गुरुवार को जिला मुख्यमंत्री पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन और पीएम व सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें जिले भर में बड़ी संख्या में लोग जन प्रतिनिधि व समिति के सदस्य भाग लेंगे। शुक्रवार शाम को सरकार व प्रशासन की आंखें खुलवाने के लिए नगर में विशाल मशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा। अगली रणनीति के लिए विधानसभा के समक्ष अनशन को लेकर समिति द्वारा रणनीति तैयार की जा रही है। जागरूक टीवी की भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।